नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। साहेबगंज जिले में जब से प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं अन्य मामलों की जांच शुरू हुई है, तब से लगातार जिला प्रशासन जो है काफ़ी रेस नज़र आ रही है और अवैध खनन एवं परिवहन के मामले में लगातार जो है छापामारी करती हुई दिख रही है। ताज़ा मामले में जो जानकारी मिली है कि रविवार को जो उपायुक्त के नेतृत्व में जिला खनन टास्क फोर्स ने छापेमारी की थी, इस दौरान चार आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार इन चारों आरोपियों पर जो है अवैध रूप से परिवहन करने का आरोप लगा था। साथ ही जिस जगह पर ये लोग गिरफ्तार किए गए वहां पर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया था। अन्य जानकारी के अनुसार ललिता इंटरप्राइजेज में पुलिस ने जांच के दौरान दो नाली, एक बंदूक, 11 कारतूस, एक पिस्तौल, 3 मैगजीन, 14 गोली एवं एक देसी कट्टा बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिस ने इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इन चारों आरोपी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वालों में जय गोपाल तिवारी, संतोष राज, अनिल कुमार जायसवाल, अशोक तांती को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ललिता इंटरप्राइजेज के मालिक किशोर किस्टो पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं एक अन्य व्यवसायी लक्ष्मी स्टोन वर्क के मालिक विकास यादव पर प्राथमिकी दर्ज कर जो है आगे की कार्रवाई पुलिस जो है कर रही है। अन्य जानकारी के अनुसार बता दूं कि रविवार को कार्रवाई के बाद जो है तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें माइनिंग एक्ट, परिवहन एक्ट और आर्म्स एक्ट के द्वारा जो है तीन FIR ओपी बोरियो में दर्ज हुई है, जिसके बाद से जो है पुलिस इन सभी मामलों में आरोपी की तलाश कर रही है। मालूम हो कि रविवार को जो छापेमारी महादेवगंज में की गई थी, जहाँ पर उपायुक्त ने कहा था कि कोई भी अवैध खनन को जो है नहीं करने दिया जाएगा, साथ ही जो भी क्रशर चलेंगे वो NGT के मानकों के अनुसार ही चलाए जा सकते हैं। आएंगे फिर ले जाएंगे। आ रहे हैं यार, चल ऊपर तो नहीं है। चुआ तो बना।